फिर मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ लोनेट के बारे में, फिर मैंने आपको बताया एप्लीकेशंस ऑफ लोनेट के बारे में भी, और उसमें मैंने आपको समझाया कि हम कैसे निकालते हैं, टोटल हेड कैसे निकालते हैं, या सीबीएचडी कैसे निकालते हैं, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, इसी तरह फिर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और फिर लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या एग्जिट ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीपेज थ्रू अर्थन डैम्स। ये समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज कन्फाइनड एंड व्हाट इज अनकन्फाइनड फ्लो। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने एक फ्लो नेट बनाया था व्हेन डिस्चार्ज वाज टेकिंग प्लेस बिलो एन आरसीसी डैम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने एक फ्लो नेट बनाया था जब डिस्चार्ज जा रहा था बिलो एन आरसीसी डैम। उस केस में हमें बाउंड्री कंडीशंस पता थी, उस केस में हमें बाउंड्री लाइंस पता थी, मींस हमें टॉप फ्लो लाइन, बॉटम फ्लो लाइन, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन और लास्ट इक्विपोटेंशियल लाइन पता थी, तब जाके हमने वहां पे फ्लो नेट बनाया। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं कन्फाइनड फ्लो, मींस वो फ्लो जिसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस पता हो उस फ्लो को हम कहते हैं कन्फाइनड फ्लो। अब वो फ्लो जिसमें इनमें से कोई बाउंड्री कंडीशंस पता नहीं हो, ठीक है, वो फ्लो जिसमें कोई बाउंड्री कंडीशंस पता नहीं है उस फ्लो को हम कहते हैं अनकन्फाइनड फ्लो। और ये जो है सीपेज थ्रू एन अर्थन डैम, ये एग्जाम्पल है एक अनकन्फाइनड फ्लो की। क्यों? क्योंकि इसमें हमें टॉप फ्लो लाइन पता नहीं होती है, वो हमें पहले निकालनी पड़ती है टॉप फ्लो लाइन कहाँ से होगी। अब अगर हम एक डैम कंसिडर करेंगे लाइक दिस, ठीक है, यहां से वाटर है, अगर ये आरसीसी का बना है देन वो वाटर यहां से पास होगा, सीपेज बिलो द डैम होगा, ऐसे जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। बट अगर ये अर्थन डैम है देन डिस्चार्ज विल पास थ्रू इट, वाटर इसके थ्रू पास होगा लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये डैम आरसीसी का है तो आरसीसी के थ्रू वाटर पास नहीं हो सकता है, देन वाटर विल पास बिलो द डैम। बट अगर ये अर्थन डैम है वाटर विल पास थ्रू इट, वाटर इसके थ्रू पास होगा। तो ये मैंने कुछ फ्लो लाइंस बनाई है यहां पे। अब ये जो है ये वाली लाइन टॉप फ्लो लाइन, इसको हम कहते हैं फिरेटिक लाइन। ठीक है, अब ये जो टॉप फ्लो लाइन है इसको हम कहते हैं फिरेटिक लाइन। यही लाइन हमें पहले निकालनी पड़ती है, ये लाइन हमें पता नहीं होती है कि ये कहां पे है, इस डैम की किस डेप्थ पे है, कहां से पास हो रही है। ठीक है, यही फिरेटिक लाइन हमें पहले निकालनी पड़ती है अगर हमें निकालना हो सीपेज थ्रू दिस डैम, या अगर हमें फ्लो नेट बनाना हो फॉर दिस डैम। ठीक है, तो जब हम ये फ्रेटिक लाइन निकालते हैं ये कहां पे है, तब हम सीपेज निकाल सकते हैं और तभी हम फ्लो नेट भी बना सकते हैं। तो इस फ्रेटिक लाइन के नीचे जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड होती है, ठीक है, और इस फ्रेटिक लाइन के ऊपर जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड भी हो सकती है या वो पार्शली सैचुरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इस फ्रेटिक लाइन के नीचे जो सॉइल है उसमें जो प्रेशर होता है वो सिंपली वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और इस फ्रेटिक लाइन के ऊपर जो सॉइल है उसमें सीधा जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मैंने कहा इस फ्रेटिक लाइन के नीचे सॉइल फुली सैचुरेटेड होती है और उसमें प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपना होता है, और इस फ्रेटिक लाइन के ऊपर जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड हो सकती है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, या पार्शली सैचुरेटेड हो सकती है, बट उसमें जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सीपेज निकालने से पहले, सीपेज थ्रू दीज डैम्स निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है पहले ये फिरेटिक लाइन। अब हमें यहाँ पे दो केसेस है, पहला केस जब डैम में एक सॉइल फिल्टर प्रोवाइड किया जाए लाइक दिस, ठीक है, जब सॉइल में एक सॉइल फिल्टर प्रोवाइड किया जाए लाइक दिस, तब फ्लो लाइंस ऐसे पास होती है, इसी सॉइल फिल्टर के थ्रू पास होती है। ठीक है, ये सॉइल फिल्टर सिंपली एक सैंड होता है या कोई जियो मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोवाइड करता है पाथ टू दिस वाटर। ठीक है, जो वाटर को एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है टू फ्लो। अब अगर ये सॉइल फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं है तब दूसरा केस ऐसा है। ठीक है, अब दूसरा केस है जब ये सॉइल फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं है, हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं है,
तब फ्लो लाइंस ऐसे पास होती है, ठीक है। और इस केस में यहां पे खतरा होता है फेलियर होने का, क्यों? क्योंकि जब वाटर पास होता है थ्रू द डाउनस्ट्रीम स्लोप ऑफ द डैम, तो वहां प्लोइंग एक्शन से सॉइल बाहर जाती है, सॉइल में इरोजन होता है, जिसकी वजह से वहां पे डाउनस्ट्रीम फेस में या डाउनस्ट्रीम स्लोप में इसमें फेलियर आ सकता है। तो हम पहला केस उठाएंगे, दैट इज अर्थन डैम विद सॉइल फिल्टर, अर्थन डैम जिसमें एक सॉइल फिल्टर प्रोवाइड किया गया हो लाइक दिस, ठीक है। ये एक अर्थन डैम है जिसको यहां पे एक सॉइल फिल्टर है और डाउनस्ट्रीम साइड से हमने प्रोवाइड किया है, और अपस्ट्रीम साइड से ये अपस्ट्रीम स्लोप से ये वाटर को रिटेन करता है, जिसकी हाइट जो है कैपिटल एच है। तो यहां पे टोटल हेड अवेलेबल कितना होगा? कैपिटल एच, ठीक है। अब इस डैम में हम फेरेटिक लाइन कैसे निकालें? तो इस डैम में फेरेटिक लाइन निकालने के लिए काफी काम किया था कोजनी ने और कैसे ग्राने ने, ठीक है। उन्होंने कहा जो ये फेरेटिक लाइन है या टॉप फ्लो लाइन है, ये पास करती है बिल्कुल एक बेस पैराबोला की तरह, ठीक है। द फेरेटिक लाइन फॉलोज द पाथ ऑफ ए पैराबोला, एक पैराबोला का पाथ फॉलो करती है। अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला सिंपली होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लाइक दिस, एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट है एफ जिसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एफ एंड दिस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, मीन्स ये लोकस है, ये पाथ है उन पॉइंट्स का जो इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट एफ से भी और डायरेक्ट्रिक्स से भी, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से भी। मीन्स अगर आप कोई भी पॉइंट यहां पे लोगे, इस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी मैंने यहां पे लिया, और देखोगे कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की इस फोकस से, उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट पी को होगी इस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। कोई और पॉइंट ले लो क्यू, अब क्यू की कितनी डिस्टेंस है इस फोकस से, उतनी ही डिस्टेंस इस क्यू की होगी इस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। तो इसी कर्व को हम कहते हैं पैराबोला, इस पे जो भी पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस एंड दिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस लाइन, इस कर्व पे जो भी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट एफ एंड दिस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो और ये जो फेरेटिक लाइन है ये बिल्कुल यही पाथ फॉलो करती है जो ये बेस पैराबोला है, मीन्स इस फेरेटिक लाइन की शेप बिल्कुल है इस पैराबोला की तरह। अब कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस डायरेक्ट्रिक्स से इस फोकस तक, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। मैंने कहा सिंपली कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस डायरेक्ट्रिक्स से इस फोकस तक, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, ठीक है। अब इस फोकस से इस एंड पॉइंट तक होती है डिस्टेंस हाफ ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज एस बाय टू, ठीक है। इस फोकस से इस एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज हाफ ऑफ फोकल लेंथ या हाफ ऑफ फोकल डिस्टेंस, दैट इज एस बाय टू। तो दैट मींस इस एंड पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स तक कितनी डिस्टेंस होगी? फिर एस बाय टू होगी ऑब्वियसली, ठीक है। एस बाय टू यहां तक है इस एंड पॉइंट तक, तो इस एंड पॉइंट से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स तक कितनी डिस्टेंस होगी? एस बाय टू ही होगी। फिर ये चीजें हमें यूज करनी है आगे फेरेटिक लाइन में। अब हम कंसिडर करेंगे एक अर्थन डैम जिसमें एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रोवाइड किया गया है। तो लेट्स एज्यूम द अपस्ट्रीम सरफेस इज, या अपस्ट्रीम स्लोप इज ए बी, ठीक है। तो यही ए बी होगा हमारा फर्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन, क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज जो आ रहा है वो इसी डैम में आ रहा है ए बी के थ्रू, परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो मैंने कहा जो सीपेज आ रहा है, जो पानी आ रहा है, दैट कम्स इनटू द डैम परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए बी। तो हम तो ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन जो है यही ए बी ली जाती है। अब अगर हम देखेंगे इस डैम की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब ये वाली प्रोजेक्शन,
ये वाली प्रोजेक्शन, तो ये सिंपली हम देखते हैं ऐसे, वो सिंपली हम L लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितनी है डैम की, वो हमने L ली, सिंपल। ये वाली प्रोजेक्शन जो इतनी बाहर है ना, इस कॉर्नर टॉप कॉर्नर से कितनी बाहर है डैम, वही प्रोजेक्शन हमने ली, वो L है। तो इस पॉइंट को हम यहां पे पॉइंट C रखेंगे। मान लो ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये F है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कोज़्नी, जो बेस पैराबोला है, जो ये फ्रेटिक लाइन है, दैट स्टार्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3L फ्रॉम दिस पॉइंट B, ठीक है। तो कोज़्नी ने कहा जो बेस पैराबोला है या जो फ्रेटिक लाइन है, वो स्टार्ट होती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3L फ्रॉम दिस पॉइंट B, तो दैट मीन्स यहां पे ये पॉइंट हम D रखेंगे, और यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 0.3L, तो यहां से स्टार्ट होती है फ्रेटिक लाइन या बेस पैराबोला लाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू कोज़्नी, पॉइंट D होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, और ये पॉइंट D है एट ए डिस्टेंस 0.3L फ्रॉम पॉइंट B, एंड दिस पॉइंट F विल बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। पॉइंट डी जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा पैराबोला का, और पॉइंट एफ जो है ये फोकस होगा पैराबोला का। तो हम क्या करेंगे, हम इस इनिशियल वाटर लेवल को एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अपस्ट्रीम वाटर लेवल को हम ऐसे ही डॉटेड एक्सटेंड करेंगे। तो हम और क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे विद डी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डी एफ, विद डी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डी एफ, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे which will meet this extended water surface at point J. तो point J से हम एक perpendicular draw करेंगे, ठीक है। तो point J से हमने एक perpendicular draw किया which will meet this soil filter at point K, ठीक है, sorry H. Then this JH will be the directrix, और focus भी हमें मिला F, और starting point भी हमें मिला D. अब ये directrix JH कैसे मिली हमें, ये हमें मिली using the property of parabola, कि कोई भी point जो parabola पे होगा, जितनी उसकी distance focus तक होगी, उतनी ही उस point की distance directrix तक होगी। तो यहाँ पे हमने कौन सा point consider किया, D, starting point of the parabola, तो जितनी distance DF है, मतलब जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट डी को फोकस तक है, उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट डी को कहां तक होगी, डायरेक्ट्रिक्स तक होगी। तो वही हमने क्या किया, जितनी डिस्टेंस डीएफ होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पे डीजे होगी। तो यही पॉइंट डी कंसीडर करके हमने यहां पे क्या निकाली, डायरेक्ट्रिक्स निकाली। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, व्हिच इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये वाला एंड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। कैसे, फोकस से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पे S बाय 2 देखेंगे कौन सा पॉइंट आएगा, यहां तक आएगा S बाय 2, तो I आ रहा है यहां पे, हमने I लिखा है यहां पे, ठीक है। फोकस से जाएंगे S बाय 2, वहां पे पॉइंट डालेंगे, तो ये मिल गया हमारा एंड पॉइंट। अब इस एंड पॉइंट से इस एज तक कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी होगी S by 2, सिंपल। जितनी डिस्टेंस इस फोकस से एंड पॉइंट तक है, उतनी डिस्टेंस इस एंड पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक है, यहां पे देख लो। तो वही मैंने किया, F से मैंने S by 2 लिया, वहां पे आएगा एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट से भी डायरेक्ट्रिक्स तक कितनी डिस्टेंस आएगी, S by 2, और S क्या है, S इज सिंपली द फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ यहां पे FH है बराबर SK, ठीक है। सिमिलरली FI है बराबर यहां पे IH, और वो कितना है S by 2, ठीक है। तो यहां पे हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिला। अब हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालने हैं। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम निकालते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला।
कि कोई भी पॉइंट हो, जितनी उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट एफ तक है उतनी ही डिस्टेंस उसकी होगी डायरेक्ट्रिक्स तक, जे आई से, ठीक है। कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट हो जितनी उसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट एफ तक उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी इस डायरेक्ट्रिक्स से। अब हम क्या करेंगे, हम फोकस से कोई पॉइंट लेंगे क्यू विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोकस, ठीक है। हमने फोकस से एक पॉइंट लिया q at a distance x from the focus और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। नाउ f is सेंटर एंड radius इक्वल टू x plus s, सिंपली f से पहले हमने x एक डिस्टेंस पे q पॉइंट लिया और q पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब f एक सेंटर लेंगे हम और रेडियस लेंगे x plus s, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस वर्टिकल लाइन पे जो कट करती है इस वर्टिकल लाइन को पॉइंट P पे, या यहां पे मान लो पॉइंट P पे कट करती है। तो ये मिल गया हमें पहला इंटरमीडिएट पॉइंट। इसी तरह फिर हमें बाकी इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऐसे ही प्लॉट करते हैं, यहां पे किसी दूर दूसरी डिस्टेंस पे लेंगे एक पॉइंट, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से कंपास उठाएंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, मिल गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। सेम प्रोसीजर से हम बाकी सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो है प्लॉट करते हैं, फिर इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, तो डी पी आई हमें मिल गई फ्रेटिक लाइन, ठीक है। तो यहां पे जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें फेराइटिक लाइन मिल गई DPI, दैट इज द फर्स्ट फ्लो लाइन। क्योंकि फेराइटिक लाइन जो है ये फ्लो लाइन है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ये D से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से अगर हम देखेंगे ये D से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि फेराइटिक लाइन एक फ्लो लाइन है तो इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B। मैंने कहा अगर हम यहां पे देखेंगे ये फेराइटिक लाइन स्टार्ट हो रही है पॉइंट D से, which is way behind this dam, but चूंकि ये phreatic line एक flow line है, phreatic line एक flow line है, तो it must start from the dam, ये dam से start होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या correction करते हैं, हम मानते हैं कि ये phreatic line जो है point B से start होती है, तो point B से हम एक freehand curve draw करते हैं जो meet करती है इस initial phreatic line को, like this। तो फिर हम इसको इन points को join करते हैं, तो ये मिल गई हमें BPI हमें मिल गई corrected phreatic line, ठीक है। मैंने कहा सिंपली actual phreatic line है DPI, और चूंकि D जो पॉइंट जो है ये वे बिहाइंड है दिस डैम, चूंकि phreatic line एक फ्लो लाइन है, therefore it must start from the dam, तो हम क्या मानते हैं कि ये phreatic line स्टार्ट होती है पॉइंट B से, तो पॉइंट B से हम क्या करते हैं एक फ्री हैंड curve ड्रॉ करते हैं जो मीट करती है इनिशियल फेराइटिक लाइन को, फिर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं आफ्टर द पॉइंट आई, तो बी पी आई हमें मिल गई करेक्टेड फेराइटिक लाइन। अब अगर हम इस फोकस को ओरिजिन रखें, दैट इज 0 0, तो इस पॉइंट पी का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कितना दूर है एक्स, तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्स आएगा। लेट्स अज्यूम इस पी का वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई है, तो दैट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट की, वो वाई होगी, ठीक है। मैंने सिंपली कहा मान लो हम इस पॉइंट फोकस को हम ओरिजिन रखेंगे 0 0, तो इस पॉइंट पी का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना है, कितना दूर है एक्स है, वो एक्स आएगा। मान लो वर्टिकल कोऑर्डिनेट इसका वाई है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस अबोव द ओरिजिन कितनी आएगी, वाई आएगी। इसके अलावा इस पॉइंट डी पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस जो मीट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन को पॉइंट एल पे, ठीक है। अब लेट्स कीप द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एल एंड फोकस स्मॉल डी, ठीक है। इस पॉइंट एल से इस पॉइंट एफ तक फोकस तक जो डिस्टेंस हमने रखी वो स्मॉल डी रखी। Also, let's assume the width of this dam is unity. Width जो है इसकी है वो unity है. Now, according to Darcy's law,
डिस्चार्ज एट द सेक्शन पी क्यू, पी क्यू पे कितना डिस्चार्ज होगा, वो होगा बराबर तो Q इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए, वेयर Q इज द डिस्चार्ज एट द सेक्शन पी क्यू, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट पी क्यू एंड A इज द एरिया ऑफ द सेक्शन एट पी क्यू, तो Q आएगा बराबर कितनी हमने यूनिटी एज्यूम की है तो Q आएगा बराबर K dy by dx into y, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट P और इस पॉइंट F को ज्वाइन करें लाइक दिस और पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डालें लाइक दिस PK, ठीक है, मैंने कहा अगर हम इस पॉइंट P से इस पॉइंट PF को ज्वाइन करें, PF ज्वाइन करें और पॉइंट P से यहां से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर डालें PQ, तो दैट मींस PF होगा बराबर PK के, क्यों होगा बराबर, प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला, जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट P को होगी इस फोकस तक उतनी ही डिस्टेंस होगी इस पॉइंट P को डायरेक्ट्रिक्स तक, इसलिए PF होगा बराबर PK के, ठीक है। अब PF किसके बराबर होगा, PF किसके बराबर होगा, अगर हम यहां पे देखेंगे यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PQF जिसमें QF x है और PQ y है, तो PF यहां पे हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो दैट मींस PF होगा बराबर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो बेस x है परपेंडिकुलर y है तो PF हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PK, PK किसके बराबर है, सिंपली PK है बराबर यहां तक तो डिस्टेंस x है और यहां तक डिस्टेंस कितनी है, फोकल डिस्टेंस है s, तो PK सिंपली आएगा बराबर x प्लस s, ठीक है। सिंपली मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x है और यहां से लेके यहां तक फोकल डिस्टेंस s है, तो PK आएगा बराबर x प्लस s, तो दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा बराबर x प्लस s का होल स्क्वायर, तो दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा बराबर x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2sx, ठीक है। ये x स्क्वायर जब यहां जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चला जाएगा तो कैंसिल होगा, तो यहां पे हमें निकलेगा बराबर y स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2sx, तो y हमें आता है बराबर s square plus 2sx raise power 1/2, तो ये हमें मिला y का वैल्यू। अब इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा dy by dx is equal to कर लो nx raise power n minus 1, तो y का 1/2 into s square plus twice sx raise power हो गया nx raise power n minus 1, वो आएगा 1/2 minus 1, वो आएगा minus 1/2, but यहां पे 2sx को internal differentiation भी होगी तो वो आएगा multiplied by 2s, तो 2 cancel हो जाएगा, तो dy by dx हमें मिलेगा बराबर s into s square plus 2sx, s square plus 2sx raise power minus 1/2, इसको हम रखेंगे equation third। Now using equation second and third in equation first, अब इस equation में use कर लो equation second और third, तो हमें क्या मिलेगा Q is equal to K, K तो अपना ही है, अब dy by dx, dy by dx यहां पे है s into s square plus 2sx raise power minus 1/2 multiplied by y, y का वैल्यू क्या मिला हमें
एस स्क्वायर प्लस टू एस एक्स रेज पावर वन बाई टू, वही है। तो एस स्क्वायर प्लस टू एक्स रेज पावर वन बाई टू और एस स्क्वायर प्लस टू एक्स रेज पावर माइनस वन बाई टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा q इज इक्वल टू k इंटू एस। तो ये हमें मिला डिस्चार्ज की इक्वेशन थ्रू एन अर्थन डैम, जब डिस्चार्ज पासिस थ्रू एन अर्थन डैम। तो ये इक्वेशन यूज करके आप सी पेज निकाल सकते हो कितना सी पेज होगा थ्रू एन अर्थन डैम, ठीक है। आप गौर से देखना, अगर हम यहां पे डी एफ अब ज्वाइन करें, अगर हम अब डी एफ ज्वाइन करें, ठीक है, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो फिलहाल जब आप डी एफ ज्वाइन कर रहे हो तो डी एफ होगा बराबर डी जे को, क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ ए पैराबोला, डी एफ होगा बराबर डी जे को, ठीक है। क्योंकि डी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है पैराबोला का, जितनी इसकी डिस्टेंस फोकस से होगी उतनी इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगी, तो इसीलिए डी जी होगा बराबर डी एफ के। तो अगर हम डी एफ देखेंगे, डी एफ किसके बराबर होगा, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है डी एल एफ, जिसकी बेस जो है वो है एल एफ जो कि स्मॉल डी है, और परपेंडिकुलर है डी एल जो कि एच कैपिटल एच है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है डी एल एफ, जिसकी बेस जो है एल एफ है जो कि है स्मॉल डी, और इसका परपेंडिकुलर है डी एल जो कि कैपिटल एच है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमें डी एफ मिलेगा बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब कौन सा है डी जे, अब डी जे किसके बराबर है, गौर से देखना, डी जे यहां से लेके यहां तक डी के स्मॉल डी के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक एस के बराबर है। गौर से देख लेना, डी जे कहां, डी जे यहां से लेके यहां तक है, तो डी जे किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक स्मॉल डी के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक एस के बराबर है। तो डी जे हमें आएगा बराबर डी प्लस एस, तो सिंपली एस किसके बराबर निकलेगा हमें, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। तो ये हमें मिली फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस एस की फॉर्मूला, ये आप यहां से निकालोगे और सीधा पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको मिलेगा सी पेज थ्रू एन अर्थन डैम कितना है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है अर्थन डैम से, डायरेक्टली आपको उसका वैल्यू मिलेगा। हाँ, अब अगर सॉइल जो है एनआइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक नहीं है, देन ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी के वैल्यू डिफरेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, देन द सी पेज थ्रू एन अर्थन डैम होगा बराबर के डैश इंटू एस, वेयर एस इज द फोकल लेंथ, जहां के डैश होगा बराबर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, सिंपल। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सी पेज थ्रू एन अर्थन डैम। हाँ, इसमें एक और तरीका है, हम फ्लो नेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब हमें फ्रेटिक लाइन मिली फिर हम फ्लो नेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से भी हम सी पेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड सिंपल है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये है, कैलकुलेट द सी पेज थ्रू एन अर्थन डैम टेस्टिंग ऑन एन इंपरवियस फाउंडेशन, द रेलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो, height of the dam 60 meter, upstream slope 2.75:1, that is horizontal is to vertical, downstream slope 2.50:1, वो भी है horizontal is to vertical, freeboard 2.5 meter, crest width 8 meter, length of drainage blanket 120 meter, coefficient of permeability of the material in x direction is 8×10⁻⁷ meter per second, और y direction में है 2×10⁻⁷ meter per second। तो दैट मींस ये एनिसोट्रॉपिक सॉइल है। अब जो जो चीज गिवन है इस क्वेश्चन में मैंने बोर्ड पे लिखा है, टोटल हाइट है डैम की 60 मीटर, मींस बॉटम से लेके टॉप तक 60 मीटर है, अपस्ट्रीम स्लोप है 2.75:1, तो ये वाला स्लोप
1 वर्टिकल है और 2.75 हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह डाउनस्ट्रीम स्लोप 2.50:1 है, तो दैट इज ये वाला स्लोप, 1 वर्टिकल है, 2.50 हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह फ्री बोर्ड दे गए हैं 2.5 मीटर, मींस टॉप से लेके वाटर लेवल तक कितनी डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। इसके अलावा क्रेस्ट विड्थ, ये वाली क्रेस्ट वाली विड्थ कितनी है, टॉप वाली विड्थ कितनी है, 8 मीटर है। इसके बाद लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, बॉटम पे जो ये वाला ड्रेनेज पाथ की लेंथ है कितना है, 120 मीटर। और उसके अलावा के एक्स एंड के वाई देखे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलोंग एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। अब टोटल हाइट डैम की देखे है, फ्री बोर्ड भी देखे है, तो हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ वाटर अलोंग द अपस्ट्रीम साइड, दैट इज कैपिटल एच। तो कैपिटल एच किसके बराबर होगा, टोटल हाइट ऑफ डैम वो 60 मीटर है, माइनस फ्री बोर्ड भी कितना है 2.5 मीटर है, माइनस 2.5, तो आएगा 60 माइनस 2.5 वो आएगा बराबर 57.5 मीटर। तो वो निकली हमें हाइट ऑफ द वाटर अलोंग द अपस्ट्रीम साइड, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये वाली, तो ये वाली कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो हम ये वाली प्रोजेक्शन निकाले वही होगी ये वाली भी प्रोजेक्शन भी, तो हम कैसे निकालें। अब यहां पे स्लोप देखे हैं, स्लोप हमें देखे है हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल इज इक्वल टू कितना है, 2.75 by 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी बराबर 2.75 इनटू वर्टिकल, तो वही आएगी बराबर 2.75 इनटू, अब वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे कितनी है वो हमने निकाली है वाली अभी 57.5, तो हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकलती है बराबर 158.125 मीटर। तो दैट मींस ये प्रोजेक्शन हमें निकलती है 158.125 मीटर, और यही प्रोजेक्शन ये वाली प्रोजेक्शन भी होगी, तो दैट मींस एल जो है वो हमें निकला 158.125 मीटर, ये वाला एल। अब यही एल होगा ना ये वाला भी, तो वही हमें निकला 158.125 मीटर। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ये स्मॉल डी, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एल एंड फोकस एफ, ठीक है। तो ये डी हम कैसे निकालेंगे, हम काम करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे लेंथ ऑफ दिस ड्रेनेज पाथ, तो हमें मिलेगा डी, ठीक है। टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, तो हमें मिलेगा ये स्मॉल डिस्टेंस डी। अब ये डी किसके बराबर है, गौर से देखना। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक है ये डी, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है 0.3L है, और 0.3L कितना है वो आएगा 0.3 × L, लेंथ प्रोजेक्शन हमने निकाली 158.125, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, हो गई ये वाली लेंथ भी। अब उसके बाद यहां पे छोटी सी लेंथ है, ये वाली लेंथ जो यहां पे छोटी सी लेंथ है वही यहां पे भी है, ये वाली छोटी सी लेंथ, तो वो यहां पे भी है। अब ये हम ये वाली लेंथ हम कैसे निकालें, गौर से देखना। आपको पता है हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल स्लोप कितना देखे है वहां पे टॉप पे अपस्ट्रीम साइड पे देखे है हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल स्लोप 2.75:1, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बराबर 2.75 × वर्टिकल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी बराबर 2.75 × अब वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे है ये फ्री बोर्ड सरफेस, दैट इज 2.5, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस करेंगे हम 2.75 × 2.5, फिर उसको प्लस करेंगे हम
हो गई ये वाली डिस्टेंस भी, और यहाँ पे जो छोटी डिस्टेंस है वो भी हमने निकाली। अब इसके बाद ये 8 मीटर डिस्टेंस है, ये भी यहाँ तक होगी, लगभग कहीं तक होगी, तो इसको हम प्लस करेंगे 8 मीटर प्लस हो गया। अब ये डिस्टेंस भी हो गई, ये डिस्टेंस भी हो गई, अब 8 मीटर डिस्टेंस भी हो गई। अब यहाँ पे छोटी सी ये वाली डिस्टेंस रहती है, कितनी रहेगी? अब ये भी हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम निकालेंगे, यहाँ पे भी डाउनस्ट्रीम स्लोप देखे है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल कितना देखे है यहाँ पे स्लोप 2.5 is to 1। तो हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी बराबर 2.50 into vertical। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी बराबर 2.50 multiplied by। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे पूरा हमें लेना है, वर्टिकल डिस्टेंस पूरी है वो है 60 meter, तो h आएगा यहाँ पे 2.50 into 60। तो इसको A8 को हम ऐड करेंगे 2.50 multiplied by 60, तो वहां हो गया ये टोटल। अब ये होगी लेंथ यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ, तो इसको क्या माइनस करेंगे, लेंथ और ड्रेनेज पाथ वो कितना है, इतना है, वो देखे हैं हमें 120 meter, ये है, तो इसको हम माइनस करेंगे 120, तो हमें डी मिलेगा हमें, ठीक है। तो जब इस टर्म को हम ऐड करेंगे इसके साथ प्लस, फिर इसके साथ उसको ऐड करेंगे, फिर माइनस 120 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी का वैल्यू मिलेगा। तो डी का वैल्यू यहां पे हमें मिलता है 93.3125 meter, तो ये हमें मिला डी का वैल्यू। अब फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस एस की फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, तो एस आएगा बराबर, अब डी है ये डी जो हमने अभी निकाली स्मॉल डी, दैट इज 93.3125 स्क्वायर माइनस एच। व्हाट इज एच, एच इज द हाइट ऑफ वाटर जो हमने निकाली यहां पे, कितना 57.5 स्क्वायर माइनस डी, डी कितना है 93.31। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है वैल्यू फोकल डिस्टेंस का एस इज इक्वल टू, वो हमें आता है बराबर 16.44 meter, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस का वैल्यू मिला। अब चूंकि ये एनिसोट्रॉपिक सॉइल है तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, दैट इज के डैश, वो आएगा बराबर रूट ऑफ kx into ky। अब kx का वैल्यू है 8 into 10^-7 मल्टीप्लाइड बाई ky का वैल्यू है यहां पे 2 into 10^-7, तो हमें के डैश का वैल्यू जो है हमें मिलता है दैट इज 4 into 10^-7 meter per second। तो मिल गया आपको के डैश का भी वैल्यू, बस फिर क्या है, निकालो सीपेज थ्रू दिस डैम क्यू, वो आएगा बराबर क्यू डैश इंटू एस, तो क्यू आएगा बराबर क्यू डैश कितना निकला 4 into 10^-7 मल्टीप्लाइड बाय एस, फोकल लेंथ कितनी है 16.44। तो जब इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.567 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपको डिस्चार्ज निकलता है थ्रू दिस डैम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये पिक्चर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसकी पिक उठा के आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा।